क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। क्या करते हैं आप इधर? मैं पहले बेचता था सब्जी 32 नंबर दुकान पे। उस वक्त हमारी फोटो आई थी अखबार में, तो हमने सिर्फ एक छोटी सी अर्ज की थी कि हम यहाँ पे अड्डा देते हैं, तो अड्डा जो है ना वो ज्यादा है, 300 हम उधर अड्डा देते थे, 300 मैं इधर 50 नंबर दुकान पे आ गया, इधर भी 300 रुपये अड्डा मैं देता हूँ, ठीक है। ये जो अड्डे आज गिराए हैं एसी साहब ने, ये पैसे लेते थे इनसे? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं इनकी बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ कि ये अड्डे जो लेते हैं 300, 400, 500, 600, इसको 100 रुपये पे लेके आए ताकि हम भी रोटी खा सकें, हम पे कर्जा चढ़ जाता है। आप अड्डा किसको देते हैं? जी जो मालिक होते हैं उनको ही देते हैं, और कोई बंदे को दे। हम जी मैं कह रहा हूँ कि अड्डे जो है वो कम किए जाए, लिहाजा हम पे कर्ज ना हो, हम रोटी हम भी दो वक्त की रोटी सुकून से इज्जत से खा सकें, हम पे कर्जा हो जाता है, हम पे इधर से घसीटते हैं, जिनका कर्जा देना होता है वो इधर से घसीटते हैं। हम सिर्फ एक बात करना चाहते हैं कि चाहे हमें गोली भी मर लग जाए, चाहे हम इधर उल्टा हमें लटका दिया जाए, हम अल्लाह के पास जाना ही जाना है, मरना तो एक दिन जरूर है। मैं बिला खौफ खुदा से डर के कह रहा हूँ कि अड्डा जो है हम उधर देते थे 300 रुपया, इधर 50 नंबर भी 300, अड्डा जो है ना वो 100 रुपये भी लेके आए यार, जो रोटी हम ना भी खाएं अड्डा हमने दे के जाना है, ये 100 रुपया अड्डा होना चाहिए। आपकी ताजिर कम्युनिटी ने कभी इनके लिए भी कुछ किया है? सर जी मेरी बात सुने, हम भी रोटी दो वक्त की खा सकें, हम भी दो वक्त की रोटी खा सकें यार, जो सब्जी है इसमें जो तो कभी घाटा कभी वादा, कभी घाटा कभी वादा, इतना मुनाफा नहीं होता इस काम से। ये कोई लोहा मार्केट थोड़ी है, या स्क्रैप मार्केट थोड़ी है, या कोई कुछ स्टील मार्केट थोड़ी है, या कोई शॉप परचून की थोड़ी है, ये सब्जी है। मैं पूछ रहा हूँ जी, क्या है हजरत साहब, ये कोई ऐसे लोग जो आपके सामने छड़े भी लगा देते, वो कहते हैं कि यार आप लें पैसे लेकिन कोई 50-100 कोई, ताकि ये लोग बर्डन आए। मेरी बात आप एक मिनट, मैं वही आप बीइंग बीइंग इंसानी हमदर्द के तौर पे, ठीक है, इनकी बात को आप सोच के जरा विजुलाइज करें कि एक बंदे को घर में मसाइल हैं इतने और प्रॉब्लम्स हैं और गुर्बत की ये उसकी हालत है कि वो 300 उसके लिए ज्यादा है या 400 उसके लिए ज्यादा है, ठीक है। इसके लिए आपकी कम्युनिटी ने कभी सोचा इनके लिए भी? मेरी बात सुने, कम्युनिटी इनका क्या सोचे, एक बात सुने, जिसको मोहल्ले में 10 रुपए का कोई उधार नहीं ना देता, वो मंडी आके 20,000 का सौदा लेके बैठ जाता है, रात को सौदा लेता है, दिन को बेचता है, दूसरे दिन आके 2,000 रुपया चौधरी साहब के मुंशी को देता है, 18,000 रुपया अपनी जेब में डालता है, तो खाते तो इसके बच्चे हैं, मंडी से तो पल रहे हैं इसके बच्चे, तो वो जो इनके खाते तमाम आढ़तियों के खाते आप चेक कर लें, मेरे ख्याल में 8-8, 10-10, 15-15 लाख रुपए तक आलू प्याज वालों के पैसे हैं जो इन लोगों ने देने हैं, कुछ इस मंडी के कुछ बादामी बाग मंडी के, ये इस भाई को किसी ने तैयार करके इधर भेजा है, लेकिन ये बेमानी बात है, इसका कोई मसला नहीं। अखबार वाले आए थे मेहरान गाड़ी पे, आज से 2 साल पहले की बात है, 5 फरवरी 6 जो सच बोलता है उसको वो 2016 की बात है ये, उस वक्त का आप अखबार निकाल लें, मैं झूठ होगा तो मुझे इधर लटका दिया जाए, हम उधर इधर सिर्फ यही बात कही थी। क्या कह रहे हैं? जैसे ही कह रहा है, बिल्कुल सही है बंदा, ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है सर जी, ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब लोग, यहाँ पे इंसान का खून चूसते हैं सारे, ये हमारी वजीरा से यही अपील है कि हम पे रहम किया जाए, बस क्या क्या मसला है इधर? मसला ये है जो 600 अड्डा देना पड़ता है सर जी, 500 इनको 600 इनको, आपकी मेरी कोई जात याद नहीं है, आपने लाखों रुपए बादामी बाग मंडी से बात ही नहीं कर रहे, हजारों लाखों उससे बात कर रहे हैं दे रहे हैं, आप खामोश रहे, आपका ये मुतालबा नहीं है सर जी, आपका मुतालबा अड्डो का है, हमने 2 करोड़ देना है, ये हमारा है ना, हमने देना, वो तो आपका जाती मसला है जी, वो हमारा किसी से लेन देन है तो आपका वो नुकसान हो, तजारत कर रहे हैं हमको ना, इनको थोड़ी होना, इनको इन्होंने सर चौधरी ने 600 रुपया अड्डा 1,000 रुपया अड्डा लेना है हमसे। भाई आप किस दुकान पे काम करते हो? इस पे भी करता हूँ, पूरी मंडी का मसला है, अपनी एक कसम तेनु अल्लाह दी, कितना अड्डा देना जिते बैठा है, मैं 200 रुपया देना, फिर 600 दा रोना क्यों रोन दिया है सर जी, देखिया जे ना असलियत नहीं दस दे पे, ओनु अल्लाह दी कसम पाई है नाल ही सच्ची जगह सच बोले, देखो ना अगर मेरे को ये ना भी कसम डाल दे मैं 200 देता हूँ, जो 1,000 रुपया देता है, जो 800 रुपया देता है वो किधर जाएगा, 2,000 भी कोई देता है ना, इधर सारी देते हैं, 800 देता है, 5-5,000 कौन देता है 800, बताएं कौन देता है, एडवांस लिया हुआ इन्होंने, एडवांस भी लेते हैं ना सर जी, कुछ नहीं, इसको अभी दोबारा कसम खिला लें आपको।
को सच बता देगा। 500 वाला आ गया 23 नंबर पे। अब बताएं जी 500 वाला आ गया। आप भी बताओ जी, आओ बताओ, आप भी उधर करते हो ना काम, बताओ ना कितना लेते हैं? 500 रुपए देते हैं रोज का। जान गए करो यार, बिल्कुल गलत कह रहे हैं यार, माज गलत कह रहे हैं। ओए अल्लाह नु जान देनी है, निके निके तेरे बच्चे। वाला इधर आया, अब इसको जवाब दें। 500 वाला आया सर जी, मेरी बात सुने, 500 वाले को पहले बताए ना। मैं मेरी बात सुने जी, मैं वही बात, पहले 400 देने दी, उन्हें कह रहे तू मामा तुझे आटा लाना है, लाओ 600 रुपया इसको, इससे पूछे आप चुप करें जी, आप चुप, आप नहीं बोलेंगे, आप चुप करें, आपको साफ बात कर रहा है, चुप करें, मेरी तरफ 500 रुपया डर से बात करें सर, मुझसे से बात सर, प्यार से, प्यार से, 600 प्यार से, प्यार हेलो गाल सुन, प्यार से की कहने ने 200 रुपया 100 रुपया है हैं कौन ना दसो मनु पुरानी मानी दसो अनजोड़ करानी मानी तुसी दस दो सर जी, मेरी गाल पहले कसम पाओ, पहले कसम पाओ, मेरी गाल सुनो। अच्छा यार तू सोच लंदे, ओ भाई मेरी गाल सुन, तने बड़ा दुख है, तू दुकान ले लेनी सी ना, मेरी गाल सुनो। नहीं जवाब मुफ्त बैठ के काम, ये क्या जवाब है? ते मुफ्त मिलियां ते तू ले लेनी सी ना, उस ले कोई आ जे ले लेनी सी, ये क्या जवाब हुआ? दुकान ले लेनी सी, ए दुकान जेडी फ्रेंड दे ना मुफ्त मिलिया है, मुफ्त मिलियां ते ले लेनी सी तू, ए कह रहे 4 करोड़ दी दुकान है, ए कह रहे ना 4 करोड़ दी दुकान, कहना कसम खाओ किन्ने किन्ने 18 लाख दी दुकान लेती है, किन्ने लेती है? बेमानी गल्ला ने जो तू गल्ला कर रहे हैं, 500 वाला बिल्कुल फजूल गल्ला, 500 क्यों लेते हैं आप यार? और भाई किसी से भी 500 ये कह रहे हैं आपके सामने, कितना देते हैं यार आप? 500 देते हैं, 500 देते हैं, अब बताएं। हाँ जी साहब, मेरी उसको कसम डलवाई है ना आपने, इसको इस ये आपके सामने बात सुने, वो 200 देता है मान रहा है, ये 500 लेता है कह रहे हैं आपको, जान मेरी बात सुने जी, फाड़ दे उत्ते डल आंदा है उपरा, फाड़ने आ उत्ते, वो 200 रुपए वाला, हां जी वो 200 वाला, ए 500 वाला आया तेरे सामने, अब इसको झुटलाए, इसको करें झूठा साहब, जी साहब जरा भाई साहब क्या बताएं, ये 500 बता दो रे जी साहब, साडा रिजक भी खोया ना इन्होंने, क्यों नहीं? मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, बहुत सही दे घर भी गया, क्यों नहीं है? अदर देखो हर एक सा डेढ़ लगा है, अड्डा नु चका देन बस, ए गल है, साडी गल नहीं सुनी, ओनर के पुत्र मेरे को आए हैं, जी साहब मैं हर बंदे को गया, साडी को आए पुत्र, मैं दस मेरे को आए, चोई साहब सारे नु पता है कि महाज ने काम होया, सारे नु पता है, सारे नु पता है, अज पता की होया, चौधरी भोले की दुकान ते बंदे बैठे है, इन्होंने पता की किया चोरी भोले, उन्हें क्या 20,000 रुपया दो, ए जी जगह ना ता डेडे ए बच जाएंगे, वो कह रहे हूं मेरे लागे क्लब यार, असि कितों 20,000 रुपया ले, 500 वाला गलत बयान कर रहा है, गलत बयान नहीं कर रहा है, ये 500 वाला जो बच्चा बता रहा है वो गलत बयान कर रहा है, ਅਈ ਭਾਈ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ 500 ਰੁਪਏ ਅੱਡਾ ਦੇਣਾ 500 ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਐਨ 10 10 10 ਤੂੰ ਆੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆੜਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਆੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਕਿੰਨੇ 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 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਮਹਾਜ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਨਾਲ खतरनाक बंदे के होते कोई कब्जा कर सकता है भाई जान छोड़े कोई खतरनाक मुझे बात सुने समझ रहे और यार मैं तेन क्या तू मेरे पैसे चोरी साहब इन्हें मेहरबानी इन्होंने मेरे को पैसे नहीं मंगे इन्नी देर हो गए आज तक तेन तंग किया ₹800 बन जाता ₹200 करके 4 अड्डे ने आपके पास 4 अड्डों का 800 800 वाला हां जी वो झूठ बोल के गया 800 वाला झूठ नहीं मारे भाई जान
सच बोल के गया, सच बोल के गया। और नहीं पता रहा है, नहीं ये 500 वाला झूठ बोल रहा है मेरी, ये बंदा जो है दो चार शोले और नहीं भाई साहब, ये 500 वाला झूठ बोल रहा है। मेरी गल सुनो, मेरे को तीन दुकान ने माशाल्लाह अल्लाह दे देता सारा को, मेरे को कोई बंदा साबित कर दे कि मैं 500 रुपया अड्डा देना, मैं जो कहोगे टक दे के मंडी छाड़ के चला जाएगा। तीन दुकाना ने अड्डे कितने, तीन दुकाना ने अड्डे जिन्हें भी है, जिन्हें भी लगे मेरे गिनती च नहीं, मेरे को शुमार नहीं है, गाड़े जिन्हें भी लगे मेरे मेरी जरूरत है। क्यों चुप करवाते हो यार, आपने पैसे लेने इसलिए चुप करवाते हो बेचारे को पैसे? हाँ जी बताए, 15-20 अड्डे लगे पुत्र, नहीं लगते। चलाओ मैं चोर भी भोले दुकान से तुम अड्डे यार, तू ऐनी बैसी ना कर, चल तेरी मेहरबानी। ना 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 ना, तेरी मेरी गल सुन, कोई गल नहीं लगे, तेरी बैस ही फजूल है यार, तेरी बैस ही फजूल है। ऐ खुद तू क्या, मैं आरतियां दे पैसे देने ने तेनू पप्पू ने तंग किया, मैं तंग किया कोई तेरे मेनू कहन के जी 500 रुपया हिसाब अड्डा लेंदे ने, मैं गया तो मैं उन्हां दा 500 रुपया, तेरी उन्हां नाल जाती दावत सी, कोई नहीं उन्हां दा दावत, फिर उन्हां नूं पुछ जाके प्यार से बात करे, पुछ ना जा प्यार से बात करे, हाजी साहब से प्यार से बात करे, अल्लाह तेरा भला सर जी से प्यार से बात करें यार, सुबह 7 बजे आना इधर, प्यार से बात करें यार, सुबह बार प्यार से बात करें, मेरा अड्डा चुकाया साहब, प्यार से बदमाशी, सुबह प्यार से बात करें, बदमाशी नहीं मैं करदा, से बात करें की थी बदमाशी करदे, प्यार से बात करें सर, मैं कर के कसम खा जब मैं 500 अड्डा नहीं लंदा, मैं नहीं लंदा भरया दिते, सर जी तुम सुबह आना, सुबह 7 बजे आना, सारा कुछ ताड़े सामने आएगा, तुम्हें पता मैं आ भी जाना, आ जाना तुम सुबह 7 बजे, ताड़ा मेरे को नंबर भी है, मेरा नंबर भी ताड़े को है, ताड़ा ही मेरे को है, तुम आ जाना सुबह।